शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज हम भारत के अमर शहीद काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक और भगत सिंह से भी पूर्व, भगत सिंह के गुरु अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका शहादत दिवस 19 दिसंबर 1927 को है, तो शहीदे भारत ने शहीद आजम भगत सिंह से 4 साल पहले ही फांसी का तख्ता हंसते हंसते चूम लिया था। आज हम उन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल के संबंध में यहाँ न केवल चर्चा करेंगे, अपितु बाकायदा उनका एक संग्रहालय और भव्य संग्रहालय अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय मुरैना में बना हुआ है। पूरे संग्रहालय पर आपको एक फिल्म हम दिखाएंगे, जिसमें चंबल की सारी विरासत, सारा इतिहास, उसकी एक झलक इस संग्रहालय में हमको देखने को मिलती है, जिसमें केवल इतिहास और विरासत के बात ही नहीं बल्कि चंबल के बागियों की भी झलक कुछ यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस बिस्मिल संग्रहालय में वीर सेना नायकों, चंबल की भूमि के वीर सपूत, जो भारत की सीमाओं पर तैनात वीर बहादुर, वीर प्रसूता जननी चंबल के ये वीर पुत्र, जिन्होंने कितने ऑपरेशंस चलाए, कितनी महान शहादतें दी, कितने मेडल्स उनको मिले, और कारगिल पर झंडा फहराते हुए उनकी फोटो भी और वीडियो भी आप इसमें फिल्म में देखेंगे। ये फिल्म का पहला भाग है और बिस्मिल संग्रहालय पर पूरी फिल्म यह कई भागों में जाएगी, क्योंकि यह बिस्मिल संग्रहालय बहुत विस्तृत, बड़ा, भव्य और आलीशान है। और यहाँ पर आप पूरे चंबल में घूमने में तो आपको बहुत दिन लग जाएंगे, वर्ष लग जाएंगे, तब तक आप चंबल को जान पाएंगे, लेकिन यहाँ आप 2-3 घंटे इस बिस्मिल संग्रहालय में घूम लेंगे तो आपको चंबल की एक झलक देखने को मिल जाएगी, जानकारी मिलने को मिल जाएगी। यहाँ पर आज तक जो चंबल ने उन्नति की है, प्रगति की है, विकास किया है, उसकी भी झलक यहाँ मौजूद है। यहाँ बड़े दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, औषधीय पौधे और तमाम तरह की एक प्रोडक्टिविटी है, बहुत से उत्पादन यहाँ पर निर्मित होते हैं, दुर्लभ उत्पादन। उन दुर्लभ उत्पादनों की झलक भी इस बिस्मिल संग्रहालय में मौजूद है, यहाँ की प्रतिभाओं के भी दर्शन आपको होंगे। तो इस बिस्मिल संग्रहालय पर पूरी फिल्म दिखाने से पहले हम राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कुछ चर्चा कर लें इस फिल्म के भाग में तो बेहतर है। तो सबसे पहले तो बताना ये उचित रहेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ मुरैना जिला का बरवाई गांव है, अंबा तहसील में है, बरवाई बोलते हैं उसको, गांव का नाम है और अंबा तहसील में पड़ता है। ये उनकी पैतृक भूमि है, जन्म भूमि है, ये उनके जो है पुरखों की भूमि है, यहीं के निवासी थे, यहीं के रहने वाले थे बरवाई के। तो दूसरी बात ये कि बेहद गरीबी और बदहाली में उन्होंने अपना जीवन गुजारा,
बहुत ही तंग दरस्ती, तंग हाल जीवन उन्होंने जिया। गरीबी में भी एक कैसा सपूत, कितना बड़ा क्रांतिकारी पैदा हो सकता है जो कि इतिहास में एक मिसाल बन जाए। ऐसे वीर सपूत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि एक तो बिस्मिल संग्रहालय के रूप में मुरैना जिले ने दी है, और दूसरी सच्ची श्रद्धांजलि यह है कि इस फिल्म को प्रसारित करने में हमें जितना गर्व महसूस हो रहा है, एक अंदर से ये फख्र महसूस हो रहा है कि एक आज अमर शहीद पर हम अपनी फिल्म का प्रसारण करने जा रहे हैं। भले ही ये फिल्म कुछ कई भागों में जाए, लेकिन हम इस पूरी फिल्म को दिखाएंगे, पूरे बिस्मिल संग्रहालय को दिखाएंगे, क्योंकि शूट लंबा है इसका और HD शूट है, तो फिल्म जो है चूंकि लंबी है, लेकिन पूरा संग्रहालय हम आपको एक कोने से और दसों कोनों तक सबका सब पूरा इसमें आपको दिखाएंगे। और संग्रहालय के अधीक्षक, जिला पुरातत्व अधिकारी श्री अशोक शर्मा जी से इस फिल्म में जो इंटरव्यू है उनका, उनसे जो बातचीत की गई, वह भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल जी के बारे में बात कर लें कि बिस्मिल जी कितने अमर शहादत देने वाले और क्या थे। तो आपको पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि बिस्मिल जी बहुत कम पढ़े लिखे थे, लगभग साक्षर ही समझ लीजिए, वो उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है और जेल में लिखी। जब उन्हें फांसी की सजा हुई उस वक्त उन्होंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी, और वह आत्मकथा उनकी फांसी के बाद में प्रकाशित हुई। तो उनकी खुद की लिखी हुई आत्मकथा की कुछ पंक्तियाँ, चूंकि उनकी आत्मकथा बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका शुरुआत का, जो शुरुआती पृष्ठ है, उसको हम इस फिल्म में वर्णन करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि कम पढ़े लिखे होने के बाद भी वो कितने महान शायर थे, कितने महान शेर उन्होंने लिखे, जो कि हर क्रांतिकारी की जुबान पर, यहाँ तक कि भगत सिंह तक उस गीत को गाते गाते फांसी के फंदे पर चढ़े, फांसी के तख्ते पर झूले, उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। हर क्रांतिकारी की जुबान पर राम प्रसाद बिस्मिल जी के गीत होते थे, शेर होते थे, गजलें होती थीं, उन्होंने बहुत लिखा है। लेकिन उनका जो मशहूर जो एक शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आज हम इसको पूरा आपको सुनाते हैं कि क्या लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। आपने केवल एक ये पंक्ति सुनी होगी, लेकिन ये जो पूरा उन्होंने लिखा है, आज उसको पढ़ के आपको सुना रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है, रह बरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा न वर्दी दूरी ये मंजिल में है, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, ए शहीद ए मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद,
आशिकों का आज जमघट कूच ए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिन में हो जुनू कटते नहीं तलवार से, हाथ जिन में हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो निकले ही थे घर से, अरे हम तो निकले ही थे घर से, बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए तो लो बढ़ चले हैं ये कदम। हम तो निकले ही थे घर से, बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यूं खड़ा मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, यूं खड़ा मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। यूं खड़ा मकतल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दिल में तूफानों की टोली, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनून, क्या वो तूफान से लड़े जो कश्तिये साहिल में है। जिस्म वो क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनून, क्या वो तूफान से लड़े जो कश्तिये साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये रचना लिखी है, और उनका ये गीत बड़ा मशहूर रहा, हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ा, और हर क्रांतिकारी ने इस गीत को गाया, और इस गीत के आधार पर भारत में क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम चला। दूसरा, माए रंग दे बसंती चोला, ये सब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन कितनी उत्कृष्ट रचना है ये,
जो उन्होंने लिखी, जिसको आप गौर से सुनेंगे तो स्वयं में अपनी तेजस्विता महसूस करेंगे। और सीमा पर कोई भी फौजी इस गीत को या कविता को सुनेगा, वो एकदम ताकत से, तेजस्विता से लबरेज हो जाएगा। ये रामप्रसाद बिस्मिल जी की ये रचना है जो मैंने आपको यहाँ सुनाई।